गाइस तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आई होप ऐसे ही आप लोग अच्छे रहें। तो आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ, और उसके बनाने से पहले ही मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जिनको भी हर्ट हो मेरी वीडियो से या बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि ब्लॉग्स पे ना काफ़ी लोगों का ब्लॉग्स आ रहा है, तो वहाँ पे ना बस एक ही चीज़ चल रही, एक ही चीज़ चल, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे यार, सास बहू देवरानी जेठानी ये सारी चीज़ें खेलने के लिए और करने के लिए घर है ना आपका, और आप घर पे वही कर रहे हो, तो क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया पे करने की? हाँ बताइए ना, क्या ज़रूरत है? मुझे ना इस पर वीडियो बनाने का कोई ये नहीं है, मेरा पर्सनल रीज़न ही, मेरा बस एक ही रीज़न है कि कैसा है ना, हम लोग, हम और आप, हमें जब मोबाइल मिली ना तभी हम काफ़ी बोलते हैं ना मैच्योर हो चुके थे, हमको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और तभी इतना ना एडवांस नहीं था कोई भी चीज़। बट आज का जो जनरेशन है ना इतना फास्ट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आजकल के बच्चे जो है ना वो हमसे और आपसे इतने स्मार्ट है ना, वो मोबाइल में कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसी क्या करना है हर चीज़ें उनको पता है। एनीवन मेरे बच्चे को इतना पता है जितना मुझे नहीं पता है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है, जबकि एक इंजीनियर है सोचिए ना, उनको भी नहीं पता है, आप सोचो ना। तो मेरा बच्चा ना, मतलब आपके भी बच्चे रहेंगे, आपको भी लेते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, फिर वो चाहे गर्ल्स हो बॉयज़ हो, आज के बच्चे मोबाइल लेते हैं, बिना मोबाइल के तो उनका चलता नहीं। और हाँ, माँ बाप अपने काम करने के लिए थोड़ा टाइम के लिए तो मोबाइल देते ही है बच्चे को, तो बच्चे उस पर क्या करते हैं, उनको भी यूट्यूब ही देखना है, यूट्यूब स्क्रॉल किया जो भी उनको अच्छा लगा देखते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि ये मीन्स क्या बोलते हैं उसको, चैनल गूगल है उसमें हम कोई पेज जाके वहाँ पे ब्लॉक कर देंगे कि ये पेज पे बच्चा ना जा सके, ये चीज़ें ना देख सके। ये आपका यूट्यूब, यूट्यूब पे अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो अच्छे बुरे जो भी जैसे भी शॉर्ट्स जैसे भी वीडियो वो आते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते जाते हैं। उसमें अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये जो अपना हुआ है ऑनलाइन का सिस्टम, जो भी चीज़ें हैं इंटरनेट, इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, ये सारी चीज़ें जो हो गई सिस्टमेटिक बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी इसकी अच्छाई है ना उतनी ही इसकी बुराइयाँ थी, उतने ही इसके साइड इफ़ेक्ट है। हमें आपको जो चीज़ें मैच्योरिटी के बाद पता चली थी या उसके भी बाद पता चली, आप तो मैरिड की बात पता चली, शादी की बात पता चली, बच्चों को अभी से सब पता चल रहा है कि किसकी देन है इंटरनेट और किसकी नहीं। और उसमें भी हम माँ बाप की भी है क्या, हमें भी टाइम नहीं मिलता, हम इतने फुर्सत नहीं, और टाइम भी मिला तो चलो ठीक है, पर बच्चों का भी क्या करेंगे वो, उनको भी चाहिए कुछ ना कुछ। अगर टीवी दिया, टीवी में भी यूट्यूब, आज की भी टीवी भी तो एडवांस आती है, उसमें भी यूट्यूब, मोबाइल में तो अच्छी बुरी वीडियो सब देखते रहते हैं। तो मेरे बच्चे ने कल एक वीडियो देखा, और वो वीडियो देखने के बाद उसने मुझे बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो मैंने बोला कहाँ पर देखा बिट्टू आपने, तो वो फिर उसने गया वहाँ पे और उसने लाइक भी किया था वो वीडियो, मुझे दिखाया, मैंने देखा, तो मेरे दिमाग में आया यार ये क्या चल रहा है। सीरियसली आप समझो ना, आप इस तरह के वीडियो डालते हो अपलोड करते हो तो ये सब करने के लिए यार सास ससुर देवरानी जिठानी ननद घर है, घर के अलावा भी मूवीज़ देख लो, मूवीज़ में भी उनकी रिलेटेड बहुत सारे, मूवीज़ के अलावा सीरियल्स देख लो, आपके ड्रामा लाइक जो आप देखते रहोगे, जो किसी के पास टाइम हो देखते हैं, जिसके पास नहीं वो छोड़ दो, लेकिन ज़्यादा करके हाउसवाइफ वगैरह या कोई भी थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए देखती हैं, बट माइंड फ्रेश करने से ज़्यादा ना आपका माइंड जो है ना वो ये हो जाता है, वो स्टिक हो जाता है यार, आप समझो स्टिक हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि आप वो सब चीज़ें देखते हो और वही सब चीज़ें अप्लाई करना चालू कर देते हो घर पर। ऐसा मत करो, और वही चीज़ें आप सोशल मीडिया पर डालते हो, जबकि आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स सर्कल और बाकी के लोग देखते होंगे, या फिर जिनके बारे में आप डाल रहे हो वो भी देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे, क्या इफेक्ट पड़ता होगा इसका, नहीं सोचते ना आप लोग, क्यों सोचोगे, आपको सोचना ही नहीं है। लेकिन आप लोग ये तो सोचो यार, आप डाल रहे हो उससे बच्चे आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं वो अभी से सोचो ना, एक एग्जाम्पल दो मुझे, एक 8 साल की 7 साल की बच्ची है वो यूट्यूब देख रही है और ये सारी चीज़ें देख रही है, ननद ने आज ऐसा किया, जेठानी ने आज ऐसा किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, ठीक है, सास ने ऐसा किया, वो क्या सीखेगी, हम क्या शिक्षा दे रहे हैं उसको, हाँ वो भी यही सीखेगी, घर में तो देख ही रही है, घर में सुन रही है, ऊपर से आप
मूवी उसकी वजह से सीरियल हम नहीं लगाते कि सीरियल में ऐसी चीज़ें ना देखें, मूवी में ना देखें। हाँ, अब इसमें देख रही, यूट्यूब में देख रही है, सॉरी। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा मत करो। मेरी हाथ छोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग सास ननद देर खाने वाला झगड़ा भी करते हो ना, कुछ भी चीज़ें घर में भी करते हो ना, तो प्लीज़ बच्चों से हट के करो, क्योंकि बच्चों का ना उस पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। अब आप लोग ये सोचोगे ये क्यों ज्ञान बांट रहा हूँ, तो मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें मत करिए। क्योंकि देखो, सास बहू दुल्हनी खाने का झगड़ा, अरे यार आज की डेट में कौन सुनता है किसका? वो पहले की बातें कर रहे हो आप लोग, जहाँ पे एक सास होती थी बहू को बहुत सारी चीज़ें सुनाती थी और बहू शांति से सुन लेती थी। आज कहाँ कोई सुनता है, ये नहीं सुनता। आज की डेट में सास रहने दो, जेठानी रहने, देवरानी सब इस तरह से रहते हैं, इसे पता ही नहीं चलता कि कौन सास है, कौन जेठानी, कौन देवरानी है, और किसके पास टाइम है इस बिजी लाइफ में, मुझे तो नहीं लगता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये ज्ञान बांट रही है, ये तो अकेली रहती है, इसको तो कुछ। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली है ना जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड खुद 5 भाई है और मैं 3rd नंबर पे हूँ, तो मेरे पास 2 जेठानी भी है, 2 देवरानी भी है, और आप लोग की दुआ से ना 2 सास भी है, जॉइंट फैमिली मीन्स चाची सास और मेरी सास, जिनको हम बड़ी मम्मी बोलते हैं, मेरी सास को बड़ी मम्मी बोलते लोग और चाची सास को छोटी मम्मी बोलते हैं, और हम लोग भी वही बोलते हैं जो मेरे हस्बैंड लोग और ननद लोग। और रही ननद की बात, तो हमारे पास ननद भी है, 2 ननद है, एक बड़ी है जो ऑलरेडी मैरिड है, 2 बच्चे भी हैं। और जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई में ना, मेरे हमारे फ्लैट से ना थोड़ी सी दूर पर, मैक्सिमम 1/2 आवर के डिस्टेंस पे रहती है वो, और एक दूसरी जो है सेकंड वाली वो भी स्टडी कर रही है, मेडिकल की पढ़ाई चल रही है उसकी। तो मेरे पास वो सारे रिश्ते हैं जो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ या जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। और मैं अभी यहाँ पे हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे वर्किंग हस्बैंड का वर्किंग यहाँ पे, मेरा है यहाँ पे, उनका अपना बिजनेस भी है जो सेटअप किया, वो सारी चीज़ें हैं इस तरह से, तो हम यहाँ पे हैं। प्लस मेरे देवर लोग की स्टडी है, मेरे दोनों देवर यहाँ से स्टडी करके मुंबई से फिर जाकर सेट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। और वो दोनों देवर को मैं और मेरे देवर ही रहते थे यहाँ पे, ऐसा ये भी नहीं। और हम लोग जहाँ पे भी इकट्ठे होते हैं ना, 5 हो गए, तो आप बिलीव कर, आपको मैं ना चैलेंज करती हूँ, ओपन चैलेंज देती हूँ, आप बता नहीं पाओगे कौन देवरानी कौन जेठानी, अगर मैं आपको बताऊँगी नहीं तो, ऐसा है। और क्या आप किसके लिए अपने सब करते हो, किसके लिए? चंद व्यूज़ के लिए? अरे यार कुछ व्यूज़ के लिए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को ही गलत साबित कर देते हो और इतना बुरा दिखा देते हो, क्यों? ऑडियंस में आपसे भी माफ़ी चाहूँगी, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा हो कि मैं आपको बोल रही, बट आपके ऊपर नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती हम जैसे यूट्यूबर्स की है, क्योंकि हम जो दिखाते हैं आप वही देखते हैं। अगर हम दिखाएंगे नहीं, हम बताएंगे तो आप क्यों देखोगे? आपको क्या पड़ी है किसी की लाइफ में झांकने का कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसा हो रहा है? हम वो दिखाते हैं, हम वो बताते हैं, तभी आप देखते हो, तभी आप बोलते हो। ये तो ऑडियंस है, ये तो बोलेगी भाई अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो, लेकिन ये हमें समझ चाहिए ना। चलो ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कल को अगर आपको कुछ होता है तो जो भी ऑडियंस है, जो आपको इतना लाइक भेजती है, इतना प्यार करती है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, ये वो लाभ लाभ लाभ, ठीक है, कल को आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो पहले आपके पास कौन आने वाला है? ये ऑडियंस आएगी नहीं, पहले आपके पास आएगी आपकी वही देवरानी, वही जेठानी, वही सास ससुर, वही, पहले आपको वही काम देने वाला, दूसरा कोई नहीं आने वाला। तो यार छोटी सी जिंदगी है, उसको अच्छे से हंस खा के निकालो ना, क्यों ये कौन सी जमाने में जी रहे हो आप लोग? तब की बहुएं सुनती थी, आज की बहुएं तो सास को चुप करा देती है, जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे पता है, हाँ। और आप लोग बोलते हो, और आपकी वजह से ऑडियंस के दिमाग में भी वही चलेगा। अभी जो बेचारे जो देखती रहेंगी, जिसमें जो इसमें लेडीज है, वो बेचारी भी यही सोचती रहेंगी, यार उसके घर में ऐसा हो रहा है तो मेरे घर में भी ऐसा हो सकता है, नहीं हुआ रहेगा तो भी, और अगर थोड़ा भी हुआ रहेगा सोचिए कि आज ये हुआ तो कल ऐसा भी हो सकता है। यार ये एक नेगेटिव मैसेज पे दे रहे हो आप सबको, एक नेगेटिव बोलते ना माहौल बना रहे हो जो नहीं बनाना चाहिए। किसी को बुरा मत साबित करो, क्योंकि जब भी बोलते ना एक उंगली किसी के ऊपर करते हो ना, तो 4 उंगलियाँ आपके साइड आती हैं। आप ये समझो, अगर आप जेठानी को गलत कर रहे हो तो आप तो कहीं गलत हो गए, हो गया नहीं हो गया? अगर आप सास को बोल रहे हो तो आप भी तो हो गया।
तो आपको क्या मिल जाएगा? ये जो ऑडियंस है आपके जिठानी को, देवरानी को, सास को, ससुर को आके गाली देने वाली है, समझाने वाली है, या उनको कुछ और करने वाली है, मेडल देने वाली नहीं ना, क्या करेगी? खाली आपके साथ सहानुभूति दिखाएगी। तो ये सहानुभूति और चंद व्यूज़ के लिए आप ऐसा करते हो, अपनी फैमिली को ही गलत साबित करते हो, जिनके साथ आप इतने सालों से रह रहे हो, जिनके साथ आपका उठना बैठना खाना सोना हर एक चीज़ें हैं, जिनके साथ अपने दुख सुख हर चीज़ बांटते हो, उनको ही आप गलत साबित कर रहे हो, गलत दिखा रहे हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि एक लड़की के माइंड में अगर ये आएगा वो कहीं जाके वो भी किसी की बुक बनेगी, तो वहाँ पे अगर वो ऐसा माहौल नहीं रहेगा ना तो भी वो ऐसा क्रिएट करना चाहेंगे। और एक लड़का, जैसे मैं मेरे बच्चे का ही ले लूँ, जो मेरे बच्चे ने वीडियो देखा मुझे बहुत बुरा लगा, उसने ऐसा बोला, फिर मुझे ये भी क्वेश्चन किया, आप तो बड़े उम्र के साथ ऐसे नहीं करते हो, आंटी आपके साथ ऐसा नहीं करती हैं, ऐसा क्या? तो मैंने उसको क्या बताया, पता है बाबू ये कुछ नहीं, जिस तरह से आप सीरियल देखते हो ना बाबू, जिस तरह से स्टोरीज होती है ना, उस तरह से ये एक स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, जस्ट दिखाने के लिए लोगों ने डाला, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ, सब कुछ नहीं होती। बोलते अच्छा ऐसा है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बच्चे के दिमाग में भी जाएगा तो वो भी तो इस चीज़ से डरता रहेगा ना यार, कि कल को मेरी वाइफ आएगी तो वो भी ऐसा करेगी, ऐसा होगा, मेरे को भी ऐसा होगा। हाँ, ये सब चीज़ें होती हैं। और आप जो एक लेडीज़ हो कि ये सब चीज़ें कर रहे हो, आप सोचो ना, आपके पास अगर लड़की है वो जाएगी कहीं पे ऐसा करेगी, या भगवान ना करे उसके साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्योंकि आज की दुनिया जो है ना, वो बोलते हैं ना कि मीन्स जो बोगे वही काटोगे, बोलते हैं स्वर्ग नर्क मिलेगा, अरे नर्क भी कुछ नहीं मैडम, जो भी चीज़ें हैं ना सब यहीं पर, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर मिलता है, कर्मा इज़ वेल, जो आप करोगे वो आपको भरना पड़ेगा, वो आपको मिलता ही, थोड़ा टाइम बाद मिलेगा बट मिलता ही है। तो ऐसा मत करो, ऐसे मेंटेलिटी किसी के दिमाग में मत डालो, कल को आप भी जाके किसी की सास बनोगे, चलो ठीक है अभी आप बेटी बन गए, बहन बन गए, वाइफ बन गए, ठीक है भाभी बन गए, सब कुछ बन गए, कहीं कभी ना कभी आप भी तो सास बनोगे, जेठानी भी बन गए, देवरानी भी बन गए, सब कुछ बन गए, फिर आप भी तो सास बनोगे किसी की, फिर क्या होगा? फिर आपको भी यही सारी चीज़ें झेलने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी और सोचने को, फिर आप क्या सोचोगे, क्या करोगे, कैसा फील होगा आपको? तो इसके लिए प्लीज़ ये सब चीज़ों को स्टॉप करो यार। हाँ, अगर आप कुछ दे सकते हो ना तो प्लीज़ वो आप ना मोटिवेशन दो, यूट्यूब मतलब क्या है, एक आपको बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट है यार, तो उसको एंटरटेनमेंट ही रहने दो, लड़ाई का मैदान मत बना दो। आज आपने बोल दिया रानी ऐसी, उसने ये किया, वो हुआ, फिर थोड़ा टाइम बाद दूसरा ब्लॉक आ गया जिठानी का, और जिठानी ने ऐसा किया, जिठानी ऐसी है, वैसी है, ये है, फिर सास का आ गया, मेरी दोनों बहुएं ने ये किया वो किया, लाभ लाभ क्या है? या तो फिर आप लोग ने ये सोच लिया है कि एक दूसरे को नीचा दिखा के मैं उसके अलावा व्यूज़ कमाए, या तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि चलो ठीक है मानते हैं अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है, ठीक है तो हट जाओ ना एक दूसरे से, दूर हो जाओ, जाने दो। करोगे ऐसा? नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ऐसा है ही नहीं कुछ, सिर्फ आप ऐसा लोगों को दिखाते हो, लोगों को गुमराह करते हो, उन्हें बेवकूफ़ बनाते हो, तो ऐसा मत करो। ऐसा करके कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, व्यूज़ मिल रहे हैं, सहानुभूति मिल रही है, बट उनको क्या पता, वो जो इतने जो आपकी ऑडियंस है, जो इतनी बोली वाली ऑडियंस आपको देखती है, जो आपको इतना सपोर्ट करती है, जो आपको वहाँ से यहाँ तक लाई है, उसको क्या, वो सिर्फ सहानुभूति दिखाती है आपको, ये करती सोचती यार इससे कितना गलत हो रहा है ना, इससे ऐसा नहीं होना चाहिए, कितनी अच्छी है ना। अरे जब आप अच्छे रहोगे तो आपके साथ बुरा कैसे करेंगे लोग? नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप अच्छे भी हो और आपके साथ लोग बुरा कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये, आप बताइए। अभी फिर आप यही बोलोगे ये ज्ञान दे रही है, मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं खुद आज मैं हूँ अकेली, मुझे अभी 3 साल हो गए अकेले रहते हुए, क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग ही हो गया, एक जेठानी मेरी जो है वो दिल्ली में रहने लगी, गुड़गांव में, जो कि उनके हस्बैंड का हस्बैंड वहाँ पर सेट हो गया, उनका जॉब वहाँ पे है, बाकी एक जेठानी जो है मेरी वो गांव में है, जो कि हमारे कॉलेज में पापा वो दोनों देखते हैं कॉलेज में के, और हस्बैंड जी का यहाँ पे है बिजनेस वगैरह, मेरा जॉब का, बाबू का स्टडी, तो मैं यहाँ पे, और देवर लोग की स्टडी भी चल रही है, जैसा कि मेरे दोनों देवर का तो हो गया, अभी एक देवर मेरा और है जो मेरे साथ ही रहता है, उसकी भी स्टडी चालू, वो भी पढ़ाई कर रहा है यहाँ से, तो उन सबको भी देखना है, तो मैंने दो देवर को पढ़ा के यहाँ से भेजा, जो आज वेल सेटल हो गए,
उनकी मैरिज भी हो गई, उसमें से एक देवर दिल्ली में सेट हो गया, एक देवर जो है वो पुणे में सेट हो गया, दोनों की जॉब है वहाँ पे, जहाँ पे जिसकी जॉब है अफकोर्स वो वहाँ पे जाएगा। अदरवाइज उसके अलावा जब हम इकट्ठा होते हैं ना तो आप देखोगे तो आप लोग को ऐसा लगेगा यार सच में, मैं तो ना टच वुड बहुत ये करती हूँ, आप लोग क्या बना के रखे हो यार। जेठानी सास मतलब तोप वाली, जेठानी मतलब झाड़ू वाली, अरे यार क्यों आप जैसा करोगे ना। जेठानी भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो भी आपकी तरह दूसरे घर से ही आई है। सास भी ऐसे ही, तो थोड़ा बहुत अगर होता है कि हमारे घर में डांटनी पड़ती थी, हमें कोई नहीं बोलता था, कुछ गलतियाँ होती थी बिना गलतियों को भी बोलते थे, तो हमारी मम्मी से हम लड़ते थे या किसी से लड़ते नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों फैला रहे हैं यार, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो, इतना नेगेटिव ला रहे हो। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें बंद करिए, क्योंकि इससे ना बच्चों पे असर पड़ रहा है, ऑडियंस पे असर पड़ रहा है, ऑडियंस कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखती है। ऑडियंस को क्या, उनको भी अच्छा लगता है थोड़ा, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा लगता, अच्छा लगता तभी तो देखते हैं, बिना अच्छे लगे देखेंगे नहीं। लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं लाइफ ना इस सब चीज़ों से ये जूझता हुआ दिखाई देगा, फिर वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को उस जगह पे रखेंगे, और बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। तो आज की जनरेशन को ख़राब मत करिए प्लीज़, अगर ऐसा कुछ है घर में करिए, घर में ही सुलझाइए यार। ऑडियंस आपसे पूछने नहीं आ रही है कि आज आपने जिठानी से कितना झगड़ा किया, सास को कितना डांटा, आज आपने क्या खाया, क्यों खाया, कैसे खाया, वो आपके बारे में जानना चाहती है। ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है, आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं, ये सब चीज़ें नहीं जानना चाहती कि आप कितना गाली देते हो, कितना झगड़ा करते हो, कितनी लड़ाई करते हो, कितनी बार करते हो, दिन में कितनी बार होती है, आप उसको देख के मुँह बनाते हो, वो आपको देख के मुँह बनाती है, ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ इसके लिए, तो अगर आप लोग को बुरा लगा हो उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बट मेरा ये वीडियो डालने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि प्लीज़ आने वाली जनरेशन को भी बेकार मत कीजिए, मत कीजिए प्लीज़। अदरवाइज वो लोग ना पहले से अपना माइंड सेट कर लेंगे, लड़का आया तो यही कि मैं वाइफ को लेकर इधर हट जाऊँगा, लड़की रही तो मैं जाते हुए यही करूँगी ताकि वो ले, पर हर फैमिली ऐसी नहीं होती है। और जॉइंट फैमिली में जो चीज़ें हैं ना, पता है आपको, कहीं नहीं है। आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं मेरा बता रही हूँ, आज मैं हूँ 2 साल से 3 साल से यहाँ पे ना, मेरी इतनी हालत ख़राब थी अभी एक हफ्ते पहले की बता रही हूँ। आज मैं आपको वीडियो बना रही हूँ कि आज मेरा थोड़ा मतलब ठीक लग रहा है, आपको फिर भी मेरे गले से पता चल रहा होगा, मेरा गला पूरा ख़राब था, मुझे वायरल हुआ था, इन्फेक्शन वायरल हो गए, खांसी सर्दी बुखार सब इतना प्रॉब्लम था कि 3 to 4 days मेरे यहाँ पे किचन मतलब गैस नहीं जला, सोचो नहीं जला। क्यों, हस्बैंड का काम में बिजी है, बच्चे को स्कूल छोड़ना, उसको लाना, काम करना, उनके पास टाइम नहीं दे, और सुबह उठ के चला जाता है, उसका एग्ज़ाम चल रहा है ठीक है, तो उसके पास भी टाइम नहीं, तो हम लोग बाहर से खाना लाए, और बाहर का भी खाना पता है ऐसा ना कि उसको खा रहे आधा आधा फेंक रहे, किसी को पसंद नहीं आता। हमारे यहाँ पे घर बाहर का कोई नहीं खाता है, मैं जो बनाऊँगी वो रूखा उसका जो भी बना, मैं दाल चावल ही बना दूँगी ना सिंपल, तो वही सबको पसंद है, वही खा लेंगे, और बाहर का कोई खाना पसंद नहीं है, और इसमें खाना भी नहीं चाहिए इस चीज़ में। मेरा बिट्टू तो एकदम नहीं बोलता मम्मी ये सब जंक फूड है, कोई भी चीज़ के लिए वो जिद नहीं करता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वो क्यों, क्योंकि वैसे ही मुझे मैंने उसको आदत डाली, तो मुझे ना वो टाइम पर फील होता है, आप लोग यार लकी हो, कितने नसीब वाले हो, बहुत लकी हो कि आपकी फैमिली आपके साथ है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपको तो एटलीस्ट कोई है जो आपको गिलास पानी दे सकता है, कोई ऐसा है जो आपको एटलीस्ट एक खिचड़ी तो बना के दे सकता है। हाँ तो मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितना आता है उतना मेरे हस्बैंड बेचारे करते हैं ठीक है, चाय ला के दे दिया, सिगरेट ला के दे दिया, बाहर से खाना ला दिया वो भी दे दिया। बीमारी में ना जब ये होते हो, आप वीक होते हो ना, तो आपको घर का ही खाना अच्छा लगता है, और घर की चीज़ें ही वो देनी चाहिए। मेरे पास सब कोई नहीं था जो मेरे लिए कुछ कर सके, तो वो सारी चीज़ें ना मेरे हस्बैंड करते थे बेचारे, टाइम निकाल के अपने काम से, उसमें बच्चे को रेडी करना, उसको ले जाना छोड़ना, फिर घर में थोड़ा चाय नाश्ता देके मुझे दव मेडिसिन देना, फिर बाकी जो चीज़ें होती थी बाहर से खाना ऑर्डर करना, फिर बच्चे को जाके लेके आना, उसके कपड़े चेंज कराना, उसको खिलाना। हाँ तो वो टाइम पे ऐसा लगता है यार काश कोई रहता ये सब चीज़ें। तो आप तो कितने लकी हो यार, आपको ऐसा लोग ऐसे साथ में है, एटलीस्ट उस चीज़ों में देखो ना, क्या उसमें भी आपके काम नहीं आते, अगर 1% भी काम आते हैं तो आप ठंडे दिमाग से सोचना, वो टाइम में अगर आपके काम आ गए तो आप जब सही हो थोड़ा अगर गुस्सा भी कर लिया यार नहीं काम आए तो उसको अवॉइड करो ना यार,
क्योंकि ना कभी भी ना बोलते ना, जब भी आपको ज़्यादा ज़रूरत है ना, वो टाइम पे जिसने काम दिया ना, जो आया ना, उसको याद रखो यहाँ पे, बाकी सब भूल जाओ। सो प्लीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी, आगे से आप लोग ऐसा कुछ मत करिए। जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल फैमिली इशू है, वो फैमिली इशूज़ जो है ना घर पे लें, बाद में आप लोग खड़े हो जाए तो झंडे लेके झांसी की रानी बन जाओगे। फिर आपके घर में सब अच्छा है, आप लोग सब अच्छे से हो, आप लोग मेरी फैमिली में क्यों बोल रहे हो, मेरी सास को क्यों बोल रहे हो, मेरी जेठानी को क्यों बोल रहे हो, मेरी देवरानी को क्यों बोल रहे हो, मेरे बच्चे को क्यों बोल रहे हो। अरे उनको लाया कौन बीच में, लाने वाले भी तो हम ही आप हैं ना। आपको पता है सोशल मीडिया क्या है, आप इतने साल से यूज़ कर रहे हो, आप इसे चीज़ कर रहे हो, तो आपको तो पता होना चाहिए ना। तो आप अपनी सास, देवरानी, जेठानी और बच्चों को इसमें खींच के क्यों ला रहे हो, आप खुद ही ला रहे हो ना। जब खुद ही ला रहे हो और सामने वाले ऑडियंस अगर एक क्वेश्चन कर दे रहे या कुछ पूछ ले रहे, आपको बुरा भी लग रहा है। वाह, ये तो यही हो गया कि हम आपको बोलेंगे ये आपको करना है और आप करने लगोगे तो बोलेंगे क्यों कर रहे हो, गलत है ना। फिर ये चीज़ आप ऐसा करो ही मत, मत लाओ। मुझे कोई नहीं पूछेगा, मुझे भी पूछना चाहिए ना, मुझे पूछो लोग, बाकी और सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनको लोग क्यों नहीं पूछते। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ही ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, उनको क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वो सब चीज़ों से दूर रखते हैं। बेचारी सास की क्या गलती है जो उसको गाली मिलती है यूट्यूब पे, बेचारी देवरानी की क्या गलती है जो गाली मिलती है, जेठानी की क्या गलती है, और ऑडियंस क्यों गाली देती है, क्योंकि आपसे प्यार करती है, वो आपके पक्ष में हो क्यों उनको उल्टा सीधा बोलती है, तो आप क्यों बुलवाते हो, उनकी क्या गलती है। ये सब चीज़ें करोगे आप, और अगर बोल दिया तो आप मेरी फैमिली को बोलने वाले कौन होते हो, सुनाने वाले कौन होते हो, मैं देख लूँगी, मैं वार्निंग दे रही हूँ, मैं ये लाभ 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 बस चालू हो जाएगा। तो आप ऐसा करो मत, नहीं करोगे ना किसी की हिम्मत नहीं बोलने, कोई बोल के तो दिखाए, ऐसा कोई नहीं है। और कोई आपके घर में आके सब झांकता नहीं है और आपसे सब पर्सनली कॉल करके नहीं बोलता है, अरे आज आपने अपनी जेठानी का नहीं डाला, क्या हुआ उसके साथ, अरे आज आपने अपनी सास का नहीं बताया, ऐसा कोई नहीं पूछता है जब तक कि आप नहीं बताते। आप बताओगे, आप उनको विलन साबित करोगे तो सामने वाला पूछेगा, और अगर आप उनके साथ नहीं बताओ कोई नहीं पूछ सकता। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ ये करो, क्योंकि आने वाली जनरेशन को ख़राब मत करो, बच्चों के दिमाग पे इसका बहुत गंदा असर पड़ता है। सो प्लीज़, क्योंकि मेरे बच्चे ने देखा, तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँ जितने भी यूट्यूबर्स जो ऐसी चीज़ें डालते हैं, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर की प्रॉब्लम घर में समझाइए, सुलझाइए, ऐसा मत लाइए। उसके लिए लाने के लिए ना टीवी चैनल्स हैं, जो सीरियल्स आते हैं, जो मूवीज़ आते हैं वो सारे हैं, जो सीरीज़ आती है वो भी है। तो प्लीज़ आप भी मत इसमें शामिल हो जाओ। तो चलिए अभी रखती हूँ, बस प्लीज़ अगर आप लोग को बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।